हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। और जो बच्चे 10 क्लास में वर्मा का इंतजार कर रहे थे कि वर्मा कब आएगा और कब वो तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और कोचिंग भी नहीं कर पाते हैं, तो उनका एकमात्र सहारा होता है वर्मा, क्योंकि वो पूरे साल नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक अंतिम में वर्मा एक बुक लेते हैं, जो कि विशेष करके ये बुक जो है कमजोर बच्चों के लिए ही होता है और एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और इसी बुक को पढ़ के फिर बच्चे जो है एग्जाम लिखते हैं ताकि वो अच्छे नंबर ला पाए, क्योंकि पूरे साल बहुत सारे बच्चे काम भी करते हैं, बहुत सारे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनका एक मात्र सहारा होता है वर्मा। तो इस टाइप की गाइड्स मार्केट में उपलब्ध हो चुके हैं, और जो बच्चे नहीं खरीदे हैं और जल्द इस तरह के गाइड को खरीद लें और तैयारी करें। और फिर भी अगर उन्हें किसी क्वेश्चन में से प्रॉब्लम होगा या समझ में ना आए तो कमेंट करें, ताकि उन्हें बताते चले जाए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, बहुत सारे बच्चे अभी तक कंफ्यूजन में थे सिलेबस कटा है या सिलेबस नहीं कटा है। तो आपको बता दें कि 10 क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में कोई सिलेबस नहीं कटा है। टोटल मीन्स टोटल पढ़ना है, साइंस में भी टोटल पढ़ना है और आपको एसएसटी में भी टोटल पढ़ना है। एक बार हम आपको सिलेबस बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे साइंस में कंफ्यूजन में थे, मैथ में कंफ्यूजन में थे कि सिलेबस हट गया है नहीं पढ़ना है, तो आपको एक बार हम मैथ का भी सिलेबस गिनाते जाते हैं आपको, जो बच्चे के दिमाग में था कि हटा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हटा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं हटा हुआ है। पहला वास्तविक संख्या जो कि आप देख रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन वास्तविक संख्या से, पूरा एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रहा है, एक जरा नहीं कटा है, याद रखिएगा। बहुपद, बहुपद में भी बहुत सारे सोच रहे थे कि कटा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं, जितने हैं सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। दो चर वाले समीकरण, इसमें भी आपके कोई एक्सरसाइज को नहीं हटाया गया है, सारा एक्सरसाइज आ रहा है, आपको पूरा सॉल्व करना भी पड़ेगा। फिर द्विघात समीकरण, फिर आपका समांतर श्रेणियां, फिर आपका त्रिभुज, और फिर आपका निर्देश ज्योमिति, त्रिकोण मिति, त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं। जो बच्चे ये चैप्टर को सोच रहे थे कि रचनाएं हट गया है, और ध्यान दे कि रचनाएं नहीं हटा है, एग्जाम में आएगा फिर आप कहिएगा कि हमको बतलाया ही नहीं गया था, सर तो बता दिए थे कि रचनाएं हट गई हैं, बिल्कुल नहीं, वो एनसीईआरटी बुक्स ने हटाया है, जेसीईआरटी में ये बिल्कुल भी नहीं हटाया है। फिर आपको बता दे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल नहीं हटा है। फिर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नहीं हटा है, 13 चैप्टर 14 संख्यिकी नहीं हटा है। और फिर आपका 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी जो है वो नहीं होता है, प्रायिकता, पूरा के 15 का 15 चैप्टर पूरा एक्सरसाइज आ रहा है। आप पूरे लगन से अगर बुक पूरा नहीं पढ़े तो ये बुक खरीद लीजिएगा और इससे तैयारी पूरा कीजिएगा। साइंस में भी वैसे ही आपको कंफ्यूजन था तो आपको बता दें फिजिक्स में कोई भी चैप्टर नहीं कटा है, मैनोमीटर, विद्युत,
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये कुछ भी नहीं कहता है। रासायनिक में पांच का पांचों चैप्टर आ रहा है आपका, पहला चैप्टर आपका आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षारक लवण, तीसरा धातु और धातु, कार्बन एवं यौगिक, पंचवा तत्वों का वर्गीकरण, बस पूरा आ रहा है। जीव विज्ञान में भी जैव प्रक्रम, जीवों में जनन समन्वय तंत्र, अनुवंशिकता में जैव विकास, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध, यानी कहने का मतलब पूरा के पूरा आ रहा है आपका। उसी प्रकार आपका जो है से हिस्ट्री में भी एक भी नहीं, बल्कि हिस्ट्री में भी आपका जो है पूरा चैप्टर आ रहे हैं। टोटल आपने जो जो पढ़ा है पांचों का पांचों चैप्टर हिस्ट्री में भी आपका आ रहा है, केवल और केवल किस में, किसी में भी नहीं कटा है आपका कोई भी चैप्टर नहीं। जितने आपका चैप्टर पिछले बार जितने चैप्टर आया था एग्जाम में, पूरा चैप्टर इस बार भी आ रहा है। तो जो बच्चे नहीं खरीदे हैं वो बच्चे इसे खरीद लेंगे, ठीक है। और भी अगर किसी प्रकार से कोई डॉट्स है, प्रॉब्लम्स है, तो आप हमसे कंफर्म हो लेंगे और हम लोग इससे रिलेटेड जो है दो चार क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होंगे उसको सॉल्व भी करते जाएंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।